आज हम सॉल्व करेंगे यूनिट नंबर 1 नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस की एक्सरसाइज 1.9। एक्सरसाइज 1.9 का हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहला क्वेश्चन है 1632, इसे मल्टीप्लाई करना है 23 से। हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले 3 का टेबल इन सारे नंबर्स पर पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 6s are 18, 18 का 8 हम नीचे लिखेंगे और 1 ऊपर कैरी करेंगे। 3 1s are 3 एंड प्लस 1 हो जाएंगे 4। अब 3 से हमने सारे नंबर मल्टीप्लाई कर लिए हैं। अब इस डिजिट की बारी है। यहाँ पर 2 है लेकिन 2 टेंस की प्लेस पर है, यानी ये 20s को शो कर रहा है। तो यहाँ हम पहले 0 ऐड करेंगे, फिर 2 से सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 6s are 12, 12 का 2 हम नीचे लिखेंगे और 1 ऊपर कैरी करेंगे। 2 1s are 2 प्लस 1 3। अब जो हमारे पास आंसर आए हैं, अब इन्हें हम ऐड कर लेंगे। 6 प्लस 0 6, 9 प्लस 4 हो जाएंगे 13, जिसमें से 3 हम नीचे लिखेंगे, 1 ऊपर कैरी करेंगे। 8 प्लस 6 हो जाएंगे 14, 14 में प्लस 1 किया तो हो जाएंगे 15, 5 नीचे 1 ऊपर। अब इन तीनों को प्लस करें, 4 5 6 7, ये हो जाएंगे 7, और 3 के ऊपर कोई नंबर नहीं है तो 3 सेम नीचे आएगा। आंसर हमारे पास आया है 37,536। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज 2341, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 70 से। पहले हम इन्हें वर्टिकली लिखेंगे। अब सबसे पहले हम 0 का टेबल इन सब नंबर्स पे पढ़ेंगे। 0 1s are 0, 0 4s are 0, 0 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करता है आंसर हमेशा 0 ही आएगा। 0 3s are 0, 0 2s are 0। नाउ दिस इज़ डन। अब यहाँ पर हमें 7 से मल्टीप्लाई करने हैं सारे नंबर्स, लेकिन यहाँ 7 किसे शो कर रहा है, 70 को। तो हम 0 पहले यहाँ दे देंगे, अब 7 से बाकी सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 1s are 7, 7 4s are 28, 8 हम नीचे लिखेंगे, 2 ऊपर कैरी करेंगे। 7 3s are 21, 21 प्लस 2 हो जाएंगे 23, 3 हम नीचे लिखेंगे, 2 ऊपर कैरी करेंगे। 7 2s are 14, 14 प्लस 2 हो जाएंगे 16। अब इन्हें ऐड करेंगे। 0 प्लस 0, 0 ही आएगा। 0 प्लस 7 7, 0 प्लस 8 8, 0 प्लस 3 3, 6 का 6 आ जाएगा और 1 का 1। आंसर हमारे पास आया है 163,870। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 6314, इसे मल्टीप्लाई करना है 52 से। 2 4s are 8, 8 2 1s are 2, 2 3s are 6 एंड 2 6s are 12। नाउ 5 5 4s are 20, 0 हम नीचे लिखेंगे, 2 ऊपर कैरी करेंगे। 5 1s are 5 प्लस 2 हो जाएंगे 7। 5 3s are 15, 5 हम नीचे लिखेंगे, 1 ऊपर कैरी करेंगे। 5 6s are 30, 30 प्लस 1 हो जाएंगे 31। नाउ ऐड देम। 8 प्लस 0 8, 2 प्लस 0 2, 6 प्लस 7 13, 3 नीचे लिखेंगे, 1 ऊपर कैरी करेंगे। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, 1 प्लस 1 2 और 3 सेम। आंसर आया है हमारे पास 328,328।
नाउ क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फोर इज 2109 इसे मल्टीप्लाई करना है 84 से. वर्टिकली लिखेंगे. अब फोर का टेबल हम सारे डिजिट्स पर पढ़ेंगे. फोर नाइन जार 36, 36 का 6 हम नीचे लिखेंगे और 3 ऊपर कैरी करेंगे. फोर ज़ीरो ज़ा 0 ही आएगा. 0 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेगा आंसर हमेशा हमारे पास 0 आएगा. अब 0 में हम 3 प्लस करेंगे तो जवाब 3 आएगा. 4 वन ज़ार 4, 4 टू ज़ार 8. अब 8 से करेंगे. 8 नाइन ज़ार 72, 2 हमने नीचे लिखा, 7 ऊपर कैरी किया. 8 ज़ीरो ज़ा 0, 0 प्लस 7, 7 आएगा. 8 वन ज़ा 8 एंड 8 टू ज़ा 16. नाउ ऐड देम. 6 प्लस 0 6, 3 प्लस 2 5, 7 प्लस 4 11, 1 नीचे लिखेंगे, दूसरा 1 ऊपर कैरी किया. 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 1 17, 7 नीचे 1 ऊपर, 6 प्लस 1 7 और 1 सेम. आंसर इज 177,156. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है 51,389 इसे मल्टीप्लाई करना है 562 से. इसमें हमें 3 डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है. ये 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है. सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे. 2 नाइन ज़ार 18, 8 नीचे 1 ऊपर कैरी किया. 2 एट ज़ार 16, प्लस 1 हो जाएंगे 17, 7 नीचे लिखेंगे, 1 ऊपर कैरी किया. 2 थ्री ज़ार 6, 6 प्लस 1 7, 2 वन ज़ार 2, 2 फाइव ज़ार 10. अब 6 की बारी है. 6 यहाँ टेंस को शो कर रहा है तो 0 हम पहले यहाँ लिख लेंगे. 6 नाइन ज़ार 54, 4 हम नीचे लिखेंगे, 5 हम ऊपर कैरी करेंगे. 6 एट ज़ार 48, 48 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 53, 3 हमने नीचे लिखा, 5 को ऊपर कैरी किया. 6 थ्री ज़ार 18, 18 प्लस 5 23, 3 हम नीचे लिखेंगे, 2 ऊपर. 6 वन ज़ार 6, प्लस 2 8, 6 फाइव ज़ार 30. अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सब नंबर्स को. 5 यहाँ हंड्रेड्स को शो कर रहा है, ठीक है. तो हम 100 के 20 पहले ही यहाँ लिख लेंगे. अब 5 को इन सब नंबर्स से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 नाइन ज़ार 45, 5 हम नीचे लिखेंगे, 4 ऊपर कैरी किया. 5 एट ज़ार 40, 40 प्लस 4 हो जाएंगे 44, 1 4 नीचे, दूसरा ऊपर कैरी किया. 5 थ्री ज़ार 15, 15 प्लस 4 हो जाएंगे 19, 9 नीचे लिखा, 1 ऊपर. 5 वन ज़ार 5, प्लस 1 हो जाएंगे 6 एंड 5 फाइव ज़ार 25. नाउ ऐड देम. 8 0 एंड 0, 8 आएगा. 7 प्लस 4 हो जाएंगे 11, 1 नीचे, दूसरा 1 ऊपर कैरी किया. 7 प्लस 3 हो जाएंगे 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 1 16, 6 नीचे लिखा, 1 ऊपर. 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, 0 हमने नीचे लिखा, 1 ऊपर कैरी किया. 9 8 एंड 1 हो जाएंगे 18, 8 नीचे लिखा, 1 ऊपर. 6 7 8, 5 प्लस 3 8 और 2 सेम. आंसर हमारे पास आया है 28,880,618. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज 43,851 इसे मल्टीप्लाई करना है 725 से. 5 वन ज़ार 5, 5 फाइव ज़ार 25, 5 हम नीचे लिखेंगे, 2 ऊपर कैरी करेंगे. 5 एट ज़ा हो जाएंगे 40, 40 प्लस 2 42, 2 हम नीचे लिखेंगे, 4 ऊपर कैरी किया. 5 थ्री ज़ार 15, 15 प्लस 4 19,
9 नीचे लिखेंगे, 1 ऊपर, 5 फोर ज़ार 20, 20 प्लस 1 हो जाएंगे 21। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे डिजिट से, दूसरा है 2, 2 यहाँ पर 20s को शो कर रहा है तो 0 हम पहले लिखेंगे, अब 2 से सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 वन ज़ार 2, 2 फाइव ज़ार 10, 0 नीचे लिखेंगे, 1 ऊपर कैरी करेंगे, 2 एट ज़ार 16, 16 प्लस 1 17, 7 नीचे 1 ऊपर, 2 थ्री ज़ार 6, 6 प्लस 1 7, 2 फोर ज़ार 8। अब हम तीसरे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 7 सेवन हंड्रेड्स को शो कर रहा है, यहाँ पर 2 ज़ीरो हम पहले ही एड लिख लेंगे, अब 7 से सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 वन ज़ा 7, 7 फाइव ज़ा 35, 5 नीचे लिखेंगे, 3 ऊपर कैरी किया, 7 एट ज़ा 56, 56 प्लस 3 59, 9 नीचे, 5 ऊपर, 7 थ्री ज़ार 21, 21 में 5 प्लस किए तो हो जाएंगे 26, 6 हम नीचे लिखेंगे, 2 ऊपर, 7 फोर ज़ार 28, 28 में 2 प्लस किए हो जाएंगे 30। अब इन्हें हम ऐड करेंगे, 5 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएंगे 5, 5 ही रहेंगे, 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 5 हो जाएंगे 14, 14 में 7 प्लस किए तो हो जाएंगे 21, 1 हम नीचे लिखेंगे, 2 ऊपर, 7 8 9 10, 10 प्लस 9 19, 9 नीचे लिखा, 1 ऊपर, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 1 17, 7 नीचे, 1 ऊपर, 1 प्लस 0 1 और 3 का 3 सेम। आंसर हमारे पास आया है 31,791,975। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज 65,123, इसे मल्टीप्लाई करना है 316 से। सबसे पहले हम 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 थ्री ज़ार 18, 8 नीचे लिखा, 1 ऊपर, 6 टू ज़ार 12, 12 प्लस 1 13, 3 नीचे, 1 ऊपर, 6 वन ज़ार 6 प्लस 1 7, 6 फाइव ज़ार 30, 0 नीचे, 3 ऊपर, 6 सिक्स ज़ार 36, 36 प्लस 3 39। नाउ मल्टीप्लाई विथ 1, 0 हम पहले यहाँ लिख लेंगे, 1 थ्री ज़ार 3, 1 टू ज़ार 2, 1 वन ज़ा 1, 1 फाइव ज़ा 5, 1 सिक्स ज़ार 6। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ज़ीरो हम पहले ही लिख लेंगे, अब 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 थ्री ज़ार 9, 3 टू ज़ार 6, 3 वन ज़ा 3, 3 फाइव ज़ार 15, 5 नीचे, 1 ऊपर, 3 सिक्स ज़ार 18, 18 प्लस 1 हो जाएंगे 19। अब इन्हें ऐड करें, यहाँ आ जाएगा 8, 3 प्लस 3 6, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 9 18, 8 नीचे लिखा, 1 ऊपर, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, 9 प्लस 5 हो जाएंगे 14, 14 प्लस 3 17, 7 नीचे लिखा, 1 ऊपर, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15, 5 नीचे, 1 ऊपर, 9 प्लस 1 10, 10 का 0 नीचे, 1 ऊपर, 1 प्लस 1 हो जाएंगे 2। आंसर हमारे पास आया है 20,578,868। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज 74,156, इसको मल्टीप्लाई करना है 163 से। 3 का टेबल से स्टार्ट करेंगे, 3 सिक्स ज़ार 18, 8 नीचे, 1 ऊपर, 3 फाइव ज़ार 15, 15 प्लस 1 16, 6 नीचे, 1 ऊपर, 3 वन ज़ार 3 प्लस 1 4, 3 फोर ज़ार 12, 2 नीचे, 1 ऊपर,
थ्री सेवन ज़ार 21, 21 प्लस 2 22, नाउ मल्टीप्लाई विथ 6, यहाँ पर 0 लिखेंगे, 6 ज़ार 36, 6 नीचे 3 ऊपर, 6 फाइव ज़ार 30, 30 प्लस 3 33, 3 नीचे दूसरा 3 ऊपर, 6 वन ज़ार 6 प्लस 3 हो जाएंगे 9, 6 फोर ज़ार 24, 4 नीचे 2 ऊपर, 6 सेवन ज़ार 42, 42 प्लस 2 हो जाएंगे 44, नाउ मल्टीप्लाई विथ 1, दो ज़ीरो हम पहले ही ऐड कर लेंगे क्योंकि 1 यहाँ 100 को शो कर रहा है, 1 सिक्स ज़ार 6, 1 फाइव ज़ार 5, 1 वन ज़ार 1, 1 फोर ज़ार 4 एंड 1 सेवन ज़ार 7, प्लस करें यहाँ पर आ जाएंगे 8, 6 प्लस 6 12, 2 नीचे 1 ऊपर, 5 प्लस 1 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 6 14, 4 नीचे 1 ऊपर, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 1 12 एंड 12 प्लस 5 हो जाएंगे 17, 7 हम नीचे लिखेंगे 1 ऊपर, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 1 8, 4 प्लस 4 हो जाएंगे 8, 8 प्लस 2 10, 0 नीचे 1 ऊपर, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 1 हो जाएंगे 12, आंसर हमारे पास आया है 12,087,428.